हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम इन मेंशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक मैजिक हेयर ऑयल की रेसिपी, जो किचन में अवेलेबल आइटम्स है और नेचर में अवेलेबल कुछ आइटम्स से ईजिली घर पर बन जाती है। ये मैजिक हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है। हेयर फॉल एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो कई बार हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिलीवरी के बाद कई सारी लेडीज़ों को फेस करना पड़ती है। और इनफैक्ट जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर चेंज की वजह से हमें हेयर फॉल होता है। कई बार हमारी बॉडी को उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं जितने हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस मैजिक हेयर ऑयल के साथ साथ हम अच्छा अपने अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन रिच और प्रोटीन रिच फूड को भी हम साथ में ले तो हमारा हेयर फॉल और ओवरऑल हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। हमने कई सारी चीज़ें डाली हैं, लाइक मेथी दाना, कड़ी पत्ता, कलौंजी, प्याज, एलोवेरा, कोकोनट ऑयल और कई सारी चीज़ें। जिससे मेथी दाना एज अ कंडीशनर यूज़ होता है, एज अ कंडीशनर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है मेथी दाना। कलौंजी हमारे बालों को काला करता है। आंवला तो वैसे ही रिच होता है विटामिन सी में। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले रहते थे और लंबे तो होते थे बट वो उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा शुरू से ही पतला होता था। तो मैं इस हेयर ऑयल को कंटिन्यू लगा रही हूँ तो मेरे हेयर अभी लास्ट वन ईयर वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। आप इस हेयर ऑयल को मिनिमम एक मंथ तक लगा कर देखिए, आपको खुद में लगेगा कि आपके हेयर्स का टेक्सचर चेंज हो गया है। अगर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप वीक में कम से कम इसको 2 दिन लगाएं, और अगर आप 2 दिन नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम वीक में 1 दिन जरूर लगाइए। ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं तो मिनिमम 45 मिनट्स के लिए रखकर और फिर एज नॉर्मल जैसे हम अपना शैम्पू और कंडीशनर करते हैं आप वैसा कर लें। बस इस हेयर ऑयल का एक मेन ड्रॉबैक यही है कि अनियन की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। तो अगर आप चाहें, अगर आपको स्मेलिंग का ज़्यादा इशू है तो आप अनियन को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इस हेयर ऑयल को पहली बार बना रहे हैं तो इसे कम क्वांटिटी में बनाइए। अगर आपको ये पसंद आए तो फिर आप बाद में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये हेयर ऑयल काफ़ी इजीली हमारी किचन में अवेलेबल आइटम से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे बना सकते हैं।